आज की वीडियो यूनिक होने वाली है। आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर घर में आपके इस तरह की हरकतें होती है तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके घर में भूत प्रेत या निगेटिविटी का साया छा गया है। और आपको आखिरी में ये प्रयोग भी बताऊंगी कि आप एक गिलास पानी से कैसे पता करेंगे कि आपके घर में भूत प्रेत का साया आ गया है। तो अगर आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा। आपके घर में क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है? फर्स्ट साइन ये है कि कई बार आप महसूस किए होंगे और मैंने भी कई जगहों पर किया है कि अचानक से हमारे घर में अलग टाइप की परफ्यूम की खुशबू आने लगती है। अचानक आपको ये खुशबू महसूस होती है, ना आप परफ्यूम लगा रहते हैं ना कोई और लगा रहता है, फिर भी आपको अगर ऐसी परफ्यूम की खुशबू महसूस हो रही है तो आपके घर में आत्मा का वास हो चुका है या उस जगह से कोई आत्मा गुजरी हुई हो, क्योंकि आत्माओं के आसपास होने से सुगंध का एहसास होता है। अगली चीज़ यह है कि आप देखे होंगे ना, आपके घर में तूफान आंधी आ रहा है ना, किसी ने आपके घर का दरवाज़ा बंद किया, उसके बाद भी आपके घर का मुख्य दरवाज़ा अपने आप झटके के साथ बंद हो रहा है और ये घटनाएं बार बार हो रही है। दरवाज़ा झटके के साथ बंद हो रहा है, फिर खुल रहा है, फिर हो रहा है, बंद हो रहा है। तो इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपके घर में बुरा साया आ चुका है या आपके घर के पास से गुजरा। ये सभी घटनाएं मैं बनाकर नहीं बोल रही हूँ, ये सभी सच्ची घटनाएं हैं। अगर आपके घर में भी ये सभी घटना हो रही है तो वीडियो के आखिरी में मैं ये सब का उपाय बताऊंगी। साथ ही आपको ये बताऊंगी कि आप अपने घर में कैसे चेक करें कि आपके घर में भूत प्रेत का साया हो चुका है। अगली चीज़ें यह है कि आपके घर में अगर कोई पालतू जानवर है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, और वो जानवर बार बार कोई जगह में जा कर के भौंक रहा है, जैसे कुत्ता जा कर के बार बार भौंक रहा है या बिल्ली है, कोई भी जानवर है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि उस जगह पर कुछ ना कुछ निगेटिविटी है, क्योंकि जानवरों को भूत प्रेत आत्माएं अपनी आँखों से दिखाई दे देती है। क्या ये बात आपको इससे पहले पता थी? मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। ये सब का उपाय मैं वीडियो के आखिरी में पहचान करने वाली चीज़ यह है कि हम अपने दीवार पर दीवार घड़ी लगाते हैं अपने वॉल में, और उस घड़ी में आपने आज ही बैटरी डाला है ना, घड़ी में आज ही आपने बैटरी डाला है, उसके बाद भी वो घड़ी चल नहीं रही है, या फिर चल रही है, रुक रही है, फिर चल रही है, फिर रुक रही है, ये भी इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में निगेटिविटी का साया छा चुका है। अगला पॉइंट यह है कि आपके घर में अचानक से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, पायलों की आवाज़ आ रही है, जैसा कि आप मूवी में देख रहे हैं, वो तो हुई मूवी के बाद, पर ये रियलिटी होता है। आप सोए हैं, आपको अजीब सी आवाज़ें या अजीब सी हरकतें महसूस हो रही हैं किसी की, तब भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपके घर में भूत प्रेत का साया वास कर चुका है। अगली घटना यह है कि हम अगर कहीं जा रहे हैं किसी भी जगह पर अपने घर में, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है, पीछे से हमें कोई पकड़ रहा है, हमारे हाथों को, बालों को, पीछे से अजीब टाइप की महसूस आपको हो रही है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपके घर में भूत प्रेत का साया हो चुका है। कुछ पॉइंट्स और बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या आपके घर में भी इस तरह की निगेटिविटीज़ आ चुकी है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि अगर आपके घर में किसी के रोने की सिसकियाँ दिखाई दे रही हैं आपके घर के बाहर, बाथरूम में, आपके आंगन में, तो पहले आप निकल कर देख लें कि किसी को कोई ज़रूरत थोड़ी है बाहर में, कोई मतलब है बाहर में, आप पहले वहाँ जा कर के कंफर्म कर लें। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं फिर भी अगर आपको कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है रोता हुआ, सिसकियाँ लेता हुआ, तो आप समझ लें कि आपके घर में आत्माओं का वास हो चुका है। अब ये हुई उन चीज़ों की बात जो आपके घर में हो रही है, अब मैं बताऊंगी ऐसी चीज़ जो आपको कंफर्म करना है कि आपके घर में निगेटिविटी है या नहीं। सबसे पहले रात के समय आपको लेना है एक गिलास पानी, एक गिलास कोई भी गिलास हो सकता है, चाहे वो कांच का गिलास हो, स्टील का, कुछ भी चीज़, आप अब पूछना मत कि वो किस चीज़ का गिलास है, कांच के गिलास में लें या फिर स्टील का कोई भी गिलास, उसमें आपको लेना है एक गिलास पानी, और उसमें आपको नॉर्मल नमक मिला देना है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, 2 चम्मच आपको उसमें नॉर्मल नमक मिलाना है, और उसमें डालना है थोड़ा सा विनेगर। विनेगर क्या होता है आप ऑनलाइन गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या कोई भी दुकान में मिल जाएगा विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं,
उसमें लगभग थोड़ा सा सिरका डालना है और उस पानी को आपको उस जगह पर रखना है जहाँ पर आपको ये महसूस हो रहा है कि इस जगह में आत्मा है या कुछ। आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ दिखाई थी जो मैंने आपको बताई, आपको उस जगह में उस पानी को रात को रख देना है। अगर वो पानी सुबह कलर बदल देता है, विनेगर वाला पानी, अगर सुबह उसका कलर बदल जा रहा है तो आपको ये जान लेना है कि आपके घर में निगेटिविटी साया है। और अगर वो पानी नहीं बदल रहा है, एज इट इज़ वैसे ही है, तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपके घर में निगेटिविटीज़ हैं। पानी का रंग बदल रहा है तो आपके घर में आत्मा है, और पानी एज इट इज़ है तो उस घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगली चीज़ हम यह जान लेते हैं कि आपको इस निगेटिविटी को दूर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको साफ साबुत लौंग लेना है, जो लौंग टूटा फूटा ना हो, साबुत लौंग हो, और उसमें कुछ तेज पत्ता डालना है। रात के समय आपको इसका धुआं, इसको जला करके आपके घर के सब तरफ जहाँ पर निगेटिविटी आपको लग रहा है, आपको सब तरफ जला कर उसका धुआं फैलाना है। ऐसा करने से आपके घर से निगेटिविटी चली जाएगी। साथ ही अगर आपको घोड़े का नाल मिल रहा है तो अपने घर के मुख्य द्वार पर घोड़े के नाल जरूर लगाइए। आप पहले के घर में देखे होंगे कि लोगों के घर में घोड़े का नाल लगा रहा था, तो आप इस तरह की चीज़ें करिए। साथ ही आप अपने घर में धूप बाती करिए, मतलब अपने घर में आप रेगुलर पूजा पाठ करिए, भगवान का ध्यान करवाइए, बीच बीच में आप रामायण गीता का पाठ करिए। ऐसा करेंगे तो आपके घर में भूत प्रेत का साया बिल्कुल भी नहीं आएगा। और साथ ही अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, किसी ने आत्महत्या किया है, तो ज़्यादा चांस है कि आपके घर में भूत प्रेत का साया हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। धन्यवाद। राम राम।